गोवा, GOA, तीन अक्षर का ऐसा नाम जो सुनने वाले के दिल दिमाग में हलचल मचा देता है। ऐसे तो अपने देश में हजारों टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन गोवा का दूसरा अर्थ है आजादी। दिल खोल के घूमने की आजादी, दिल खोल के झूमने की आजादी। अब तक के सफर में हम बस यहाँ से वहां भटक रहे थे, लेकिन अब पाललम में हमने एक छोटा सा घर ले लिया है, जहाँ मस्त चिड़ियाओं की आवाज सुनाई देती है, समंदर की गरज सुनाई देती है और फुल सुकून है। गुड मॉर्निंग गोवा से। तो ये बिल्कुल बैक साइड पाललम में है हम, और यहाँ पे ये जो है हमने काइंड ऑफ रिजॉर्ट लिया है। ये काफ़ी बजट में है। पहले हम सोच रहे थे कि जितना भी जो सी व्यू साइड का है, जो कल मैंने आपको दिखाया था, तो वहाँ पे जो सी व्यू वाली हट्स हैं वो सारी रिजर्व हैं, सारी फुल हैं। तो अगर आप वहाँ पे परचेस करते हो तो समवेयर अराउंड 5000 के आसपास में आपको मिलेगा। और अगर थोड़ा आप उन्हीं वुडन हट्स को थोड़ा बैक साइड में लेते हो तो वो समवेयर अराउंड 3000 में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दो सेपरेट रूम हमको सिर्फ 2000 में मिले हैं। और कल जो है फाइनली बहुत अच्छी नींद आई है। अब ऐसा है कि हम एक दिन सो रहे हैं तो दो दिन नहीं सो रहे हैं तो अभी मतलब पूरी एनर्जी है। आज का प्लान है हमें यहाँ से कोललम बीच जाना है। कोललम पहले शॉपिंग करते हैं, कुछ फूल पत्ती वाली कपड़े खरीदते हैं, उसके बाद कोललम बीच जाएंगे। उसके बाद काबोदी रामा करके फोर्ट है, एक व्यू पॉइंट है मस्त सा, वहाँ से ऊपर से पूरा बीच दिखाई देता है, तो वहाँ जाएंगे। और उसके बाद शाम के टाइम पे हम जाएंगे बटरफ्लाई आइलैंड, और बटरफ्लाई आइलैंड मतलब बहुत बहुत सुंदर है, तो वहाँ से मस्त करके सनसेट देखेंगे। तो ये तीन एक्टिविटी हमने आज के दिन के लिए सोची है, बट देखते हैं मतलब जितना फिजिबल हो पाएगा। एक और बात, तो इनफैक्ट ये जो जगह है यहाँ से बीच हार्डली 50 मीटर की दूरी पे है, मतलब ये ठीक उसके बीच के ही बैक साइड में है हम। और यहीं पे मतलब मस्त अगर आपको एकदम घर का खाना खाना है तो जो मैंने शायद कल भी दिखाया था राइट, तो वो यहाँ से 50 मीटर पे है, तो सब कुछ बहुत ही फिजिबल है। और नॉट इनफैक्ट कि आप एक दो दिन के लिए यहाँ पे रह सको, ये कुछ ऐसा है कि मतलब यहाँ पे महीनों महीनों रह सकते हो आप। और इनफैक्ट अगर आप महीनों के लिए इसको बुक कर दोगे तो वो ये आपको मतलब और भी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। तो फिलहाल निकलते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे शॉपिंग करते हैं। बोलती है पब्लिक मॉडल की तरह थोड़ा जल्दी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आंखें भी चमकेंगी ना भेड़िए की नाइट में होता है। अच्छा नाइट में ही, अभी हम दिन को रात कर देते भैया। बहुत सही, शॉट्स देख रहे क्या तू? हाँ छोटा छोटा है, तेरी गर्लफ्रेंड को आ जाएगा। गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, लेके रह। तो शॉपिंग हो गई हमारी, बहुत 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 कुछ खरीदा है हमने। फिलहाल तो सब कुछ बैग में है, कल आपको दिखाएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं काकुलम बीच। मतलब जितना हमने सुना है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बीचेस, बीच इन साउथ गोवा। बाकी जाके देखते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 12:47, यानी धूप बिल्कुल ऊपर होगी। अब देखते हैं ऑन कैमरा कैसा लगता है और अनुभव कैसा रहता है, दोनों आपको दिखाएंगे। प्यारा सा रास्ता है, क्या बोलते हो आप इसको? इलायची। इलायची, अच्छा इलायची जितना ही है ये। हाँ। हमारे उधर आंटी बहुत बड़ा केला होता है, बड़ा बड़ा। हाँ, इतना बड़ा हमारा इधर नहीं रहा बेटा। इतना बड़ा, इतना बड़ा। आपके उधर क्या टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ये है इलायची, ये इलायची जितना ही है। खाने में ठीक है, टेस्टी है इलायची। मीठा काफी है यार, नॉर्मल से ज्यादा मीठा हो रहा है। नॉर्मल से ज्यादा मीठा है, भी अच्छा है। आंटी काकुलम बीच सीधा सीधा दोनों साइड में काकुलम बीच पहुंचते। ये गाड़ी से भी चला जाएगा? हाँ गाड़ी जाती है, रोड पे इस वाले से। तो ये बीच तक गाड़ी पहुंच जाती है? बीच के स्टेप पे। तो ये हम थोड़ा रोड से नीचे आए हैं, पाललम से काकुलम जो गूगल मैप में दिखा रहा था कुछ 10 से 15 किलोमीटर दिखा रहा था, कुछ 20 15-20 मिनट का रास्ता है। उसके बाद यहाँ से दो तरीके हैं, या तो आप ट्रेक करके जा सकते हो
ये पब्लिक के लिए है, ये भी ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट का ट्रैक है, या फिर आप यहाँ से दूसरे रास्ते जा सकते हो। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसकी 50 रुपीज़ पर हेड एंट्री है, तो हम सोचे कि यहीं से कार लेके चलते हैं और बीच देखते हैं। यहाँ पे जैसे अगर हमें कहीं पर लोकल खाना जैसे फिश थाली वगैरह खाना हो तो मिलेगा। अच्छा, नीचे मिलेगा, ठीक है। आपको जो मन पसंद है वो खाना नीचे मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, दो रास्ते थे, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। तो हम लोग जो है प्राइवेट वाले से जा रहे हैं, और जो वहाँ पे जो भाई थे वो हमको बता रहे हैं कि कौन से रास्ते से हम एक व्यू पॉइंट तक पहुँच सकते हैं, सो दैट कि वहाँ से और भी अच्छा व्यू मिलेगा। तो इनफैक्ट वो खुद ही हमें छोड़ने आ गया। हेलो भैया, कौन सी पी रखी है? दारू? कौन सा? हनी बी। क्या फैनी है क्या कि विस्की है? विस्की यहाँ लगा दूँ? हाँ, यहाँ से लगा, प्यारा लग रहा है ना। तो फाइनली थोड़ा सा ट्रैक कर रहे हैं, और वहाँ से मैं जो है आपको एक अकलम बीच दिखाऊंगा। बहुत सुंदर है, मैंने साइड से थोड़ा देखा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सब्र रखो क्योंकि इधर से सबसे मस्त व्यू आएगा। अरे वो खुंकरी निकाल दे पीछे से। तो देवी और सज्जनों, दिल थाम के बैठिए, गोवा का सबसे सुंदर बीच आपको दिखने वाला है इन 3-2-1। इस हिल टॉप वाले पॉइंट में हैं हम, और इस पॉइंट की खासियत यह है कि यहाँ से पूरा का पूरा कोकिलम बीच एक ही बारी में दिख रहा है। मस्त करके पहले इसे निहार लेते हैं, उसके बाद जो है तसल्ली से नीचे की तरफ बैठेंगे। जो वहाँ पे सैंड दिखाई दे रही है एक तो उस तरफ, और वो जो टॉप दिखाई दे रहा है हिल टॉप टाइप का, इससे नीचे है वो, फिर वहाँ पर बैठेंगे। ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये तो था मतलब थोड़ा सा हाइट पे, हमने सोचा कि यहाँ से अच्छे से निहार लेंगे और ड्रोन व्यू ले लेंगे। तो अभी नीचे जाएंगे, और नीचे भी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे मस्त करके लंच करेंगे, उसके बाद सैंड में कुछ देर बैठते हैं और फिर आगे निकलेंगे। तो बिल्कुल बीच व्यू पे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर एक स्टेप है जहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे बिल्कुल हमारे आगे जो है बीच है। तो फिश थाली हमने ऑर्डर की है, और यहाँ से साथ के साथ आप व्यू भी ले सकते हो। और अंचल में यहाँ का जो टेस्ट है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब टूरिस्ट प्लेस है तो मतलब कुछ भी आपको खिला देंगे। एक्चुअली में बहुत अच्छा टेस्ट है, मतलब लगता है कि घर का बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत बल्क में बन रहा है और होटल टाइप फील नहीं आएगी आपको सब जगह। और इनफैक्ट जो लोग भी आपको मिलेंगे, रेस्टोरेंट वाले, शॉपकीपर्स, कहीं से आप कुछ अटेंड कर रहे होंगे, सब बहुत मतलब बहुत हेल्पफुल टाइप के हैं, बहुत खुश मिजाज लोग हैं, तो बहुत मज़ा आता है। अभी अच्छे से खाना खा लिया है, अच्छे से एनर्जी आ गई है, और मस्त आपको पास से बीच दिखाएंगे, बीच देखेंगे। मौसम भी मस्त हो गया ना सी। तो ये है होटल, बिल्कुल सी व्यू होटल, मतलब इसमें हट्स भी हैं, तो आप चाहो तो यहाँ भी रह सकते हो। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो ये लोग आपको कैंप अरेंज करके देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 टेंट्स हैं इनके पास। तो हमने यही पूछा क्योंकि हम वहाँ से टेंट लेके आए थे, वी थॉट कि एक दिन टेंट पिच करेंगे और एक रात समंदर किनारे मस्त लहरों की आवाज़ सुनते हुए सोएंगे। तो पूछा है अभी, पॉसिबली शायद कल करेंगे अगर वक्त होगा। Thank you.
जैसा फील हो रहा है ना वो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन लग रहा है कि मतलब जो शायद पिछले साल भी ट्रिप हमारी गई थी और जो अनुभव मैंने उससे लिया, जो भी सीखा, आज ऐसा लग रहा है कि वो सब वर्थ इट हो गया है। क्या बीच है यार ये। आई वुड रिकमेंड कि कोई भी कभी भी कहीं से भी गोवा आते हो इस बीच पे आओ और अपनी शाम बिताओ, बहुत सही है। अब थोड़ा सा वक्त है तो मन में ये है कि कुछ दिनों के लिए ही है तो यहाँ पे बटरफ्लाई बीच भी जाना है। एक कसम से मतलब इच्छा नहीं कर रही कि यहाँ से कहीं और निकले, इतना सुंदर है ये। हाँ मिलते हैं। हाँ कल आएंगे। थैंक यू। अब निकलना तो पड़ेगा ही भाई, और यहाँ से अभी हम निकलेंगे, क्या था, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बीच। शायद समय है कि नहीं है, देखते हैं। गोवा में भी बारिश हो गई। बारिश कहीं पीछा नहीं छोड़ती हमारा, भागते हुए ऊपर तक आए। जाना है बटरफ्लाई, कितना दूर है यहाँ से? बस यहाँ से एक कच्चा रास्ता है तो शायद 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, उसके बाद 2 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ट्रैक तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि 6 बजे से पहले तो अब सूरज ढल जाता है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रन कर देंगे ना, रन रन। टाइम कम है और हम चाहते हैं कि सनसेट से पहले पहले आखिर पहुंचे, क्योंकि अंधेरा होने पे तो शायद ही कुछ दिखेगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा रन कर रहे हैं 2 किलोमीटर की हाइक है। वैसे आगे से पीछे से टैक्सी भी मिलती है, ऑफ रोड व्हीकल है, 150 पर पर्सन लेते हैं, बट एटलीस्ट 4 मेंबर्स चाहिए। ये दोनों मेरे से बहुत आगे भाग गए, आवाज़ भी नहीं आ रही इनकी। सुदीप आगे आ गया। हाँ हो सकता है सनसेट तो नहीं दिखेगा क्योंकि बादल लगे हुए हैं, बढ़िया कि थोड़ा उजाला रहेगा तो बीच तो दिखेगा। ऐसा होता है जब पहाड़ी लोग बीच में आते हैं। रन। अभी यहाँ से 2 लड़के भागते हुए गए क्या? 2 किलोमीटर का छोटा सा हाइक है और बड़ा जंगल वाला रास्ता है, काफ़ी एडवेंचरस है, जिसको आधा तो हमने भाग के कर लिया है, थोड़ा सा है लहरों की आवाज़ आ रही है, यानी कि पहुँच गए। क्या वाइब है ना इसकी, दैट्स बटरफ्लाई। कितना टाइम लगा हमको भागने में? 10 मिनट। हम लोगों ने लगाया 15 मिनट के करीब। 18 हो रहे ना, 3-4 मिनट से हूँ मैं। सो यस, ऐसा ही होता है जब पहाड़ी लोग बीच में आते हैं तो। तो समुद्र का ये सेमी सर्कल तट, इसे कहा जाता है बटरफ्लाई बीच। टूरिस्ट में ये बटरफ्लाई आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का जो दूसरा रास्ता है वो है बोट के थ्रू। पालोलम से यहाँ तक आपको बोट मिल जाती है और चांसेस हैं कि आपको डॉल्फिन्स भी दिख सकती हैं, और क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ बोट से ही आते हैं इसीलिए ये एक ऐसा इंप्रेशन देता है कि ये एक आइलैंड है, जबकि टेक्निकली ये एक बीच है। इसके दोनों तरफ से ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, यहाँ बैठ के आप मस्त सनसेट देख सकते हो, लेकिन आज अपनी किस्मत पे बादल लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि बरसात के महीने में जब फूल पत्तियाँ खिलती हैं तो यहाँ बहुत अलग अलग तरीके की बटरफ्लाइज दिखाई देती हैं, इसी वजह से इसे बटरफ्लाई बीच कहा जाता है। कुछ लोकल्स का ये भी मानना है कि इस बीच के तट का जो आकार है वो बटरफ्लाई जैसा है, इसीलिए इसे बटरफ्लाई नाम दिया गया। खैर, नाम की जो भी कहानी हो, बीच बहुत सुंदर है। Thank you.
सुदीप अब तुम वो नहीं रहे, 80 किलो के हो गए हो कम से कम, टूट जाएगा वो देख लियो, कोई और नहीं खेल पाएगा उसमें। ओए 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 क्लाइमिंग कमान I'm not afraid to die.